आते हैं अपन कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ पर। तो कोसेक एक्स अपने को कोसेक वाला फंक्शन जो है वो अपने को पता है कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, उसमें कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आ सकता। ठीक है, क्या कोई भी रियल नंबर तुम उसमें डाल लो, बट इट शुड नॉट बी ऑफ द फॉर्म एन पाई। ये उसका डोमेन हो जाता है, जो उसकी रेंज रहेगी वो सारे नंबर्स ले सकता है, पर माइनस वन से वन के बीच के नंबर्स नहीं ले पाएगा। मतलब वो ये सारे नंबर्स ले सकता है। इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, आर माइनस माइनस वन से वन। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में समझाया ये कैसे लिख सकता हूँ करके, और बहुत ही सादी सी बात है। तो ये चीज तो लेकिन मेनी वन फंक्शन है भाई। अब इसको वन वन ऑन टू बनाने के लिए, इसको वन वन बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों ने कोसेक के डोमेन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसके डोमेन को हम लोग रखते हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन। ठीक है, बात ओपन रखना, क्लोज रखना है, तुम्हें क्लोज रखना पड़ेगा। ठीक है बात। अच्छा, पीछे वाला भी वीडियो में, सेक वाले वीडियो में ये चीज को अपने को क्लोज रखना पड़ेगा। इधर सेकंड वर्स एक्स का जो अपन ने ग्राफ बनाया, इसमें यहां पर देखो, इसको मैंने ओपन रख दिया था, ये क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा। बस लफड़ा कैसा पाई बाय टू का आ सकता है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो तुम रख सकते हो, बट उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो को अपने को हटाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम जीरो अगर इनपुट डालोगे तो साइन बुरा मान जाएगा, और कोसेक इज नथिंग बट वन बाय साइन। ठीक है, तो कोसेक कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए इसके लिए अपने को जीरो को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, और रेंज में तो अपने को कहीं कोई फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, अब दिस फंक्शन इज वन वन। ठीक है, अब ये वन वन फंक्शन है, वन टू भी है, तो इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स अपन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ बनाने की बारी आती है। देखो यहाँ मामला कैसा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये हो गया माइनस पाई बाय टू, ये हो गया पाई बाय टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू, और ये हो जाता है एक्स बराबर पाई बाय टू। ठीक बात। अच्छा अब पाई बाय टू पे वन रहता है, यहाँ अपन बना लेते हैं, ये हो गया पाई बाय टू कॉमा वन, ये हो गया ऐसा। और अपने को पता है माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन रहता है, पाई बाय टू पे वन। अच्छा ये वाली लाइन नहीं बनाते यार, फालतू को बाद में कंफ्यूजन होता है। तो माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन रहता है ये। ठीक है, माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन कुछ यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर टपकेगा कुछ, ग्रीन पेन से बना लेते हैं, यहाँ पर टपकेगा कुछ। अब ये होगा कैसा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा। असिम्प्टोट कौन सा है इसमें तुम्हारा, ये असिम्प्टोट है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये असिम्प्टोट है, दिस इज द असिम्प्टोट। किसके लिए, कोसेक एक्स के लिए। एक्स को कभी तुम जीरो नहीं डाल सकते, जो कभी इनपुट नहीं डाल सकता वो बाद में कभी आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है क्या, तो अगर आउटपुट नहीं आ सकता तो वाई इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स के केस में वाई इक्वल्स टू जीरो, ये मेरा असिम्प्टोट रहेगा, वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है क्या, ये ध्यान में रख। तो वाई इक्वल्स टू जीरो वाली जो लाइन है, दिस मस्ट बी द असिम्प्टोट फॉर y equals to cosec inverse x। देखो कैसे ये चीज निकाल रहा हूं मैं, अगर तुम ऐसा sec x को अगर ऐसा डिफाइन करते हो तो यहाँ जीरो कभी आ नहीं सकता। ठीक है क्या, सॉरी cosec x है ना, cosec x, यहाँ जीरो कभी नहीं आ सकता। ठीक है क्या, तो जब ऐसा cosec inverse x डिफाइन करोगे तो ये यहाँ है ही नहीं, तो आउटपुट में जीरो कैसे देगा, तो वही लिखा है मैंने, आउटपुट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बात, इसके लिए cosec inverse x के लिए तुम्हारे पास आउटपुट कभी जीरो नहीं आ सकता। तो दिस लाइन इज द असिम्प्टोट, चलेगा ये असिम्प्टोट रहेगा। अच्छा अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स का अपन मिरर इमेज ले लेते हैं y इक्वल्स टू x के बराबर।
y इक्वल्स टू एक्स वाली जो लाइन है पहले वो खींच ले अपन पहले फटाफट। ठीक है, y बराबर x वाली जो लाइन है वो गुजरेगी तुम्हारी, ये वाला पॉइंट देखो कौन सा पॉइंट है, पाई बाय टू कॉमा वन है। ठीक है, तो जो y बराबर x वाली मेरी लाइन रहेगी कैसे गुजरेगी वो, इसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, या तो देखो तुम लाइन को उस लाइन पर देखो पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू रहेगा। ठीक है क्या, तो वो लाइन इसके ऊपर से गुजरेगी ऐसा। ठीक है, और माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस पाई बाय टू रहेगा। ठीक है, तो लाइन कुछ यहां से गुजरेगी ऐसा कुछ। ठीक है क्या, ये हो जाती तुम्हारी लाइन वाई बराबर एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर पाई बाय टू और फिर ऊपर भी पाई बाय टू। ठीक है, पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू। ठीक है, बात ये वन है ना तुम्हारा, ये वन है तो वन से तो बड़ा ही रहता है ना पाई बाय टू, इसीलिए मैंने लाइन को उसके ऊपर से गुजारा। ठीक है, अब इस लाइन के अबाउट अपने को सिमेट्री खींचनी है। ठीक है, कैसे करोगे, वाई इक्वल्स टू जीरो तुम्हारे पास अजिम्प्टोट ठहरा। ठीक है, तो पाई बाय टू कॉमा वन है तो वन कॉमा पाई बाय टू, वन कॉमा पाई बाय टू वन कॉमा पाई बाय टू, ये आ गया अपने पास एक पॉइंट। ठीक है, किसकी मिरर इमेज रहेगा ये, इस पॉइंट की मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, पाई बाय टू कॉमा वन है ना, तो ये रहा मेरा वन कॉमा पाई बाय टू, और फिर यहां से निकालो तुम ऐसा, यस ऐसा बन गया मिरर इमेज। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स, अभी आधा ही बना है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखो तुम, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है तुम्हारे पास, माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू है। ठीक है, तो पाई बाय टू कॉमा माइनस वन, ये वाला पॉइंट होना अपने को, सॉरी माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस वन की इमेज अगर निकालोगे तो माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू, तो माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू होगा कुछ तुम्हारे पास यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होगा, और उसकी अगर तुम इमेज अगर निकालो तो वो कुछ ऐसी आएगी ऐसा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, पाई बाय टू वन से बड़ा होता है। ठीक है क्या, इसीलिए यहां देखो मैं, ये जैसे माइनस वन है ना, तो मैं उसके नीचे जा रहा हूँ, समझे क्या, जैसे यहां तक जब मैं गया हूंगा तो मेरे को माइनस वन मिला होगा, तो मेरे को और नीचे जाना पड़ा होगा माइनस पाई बाय टू के लिए, इसी के लिए मैं यहां पर इसकी लोकेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो कर्व बनाने में अगर तुम्हें किसी भी किस्म की अगर डिफिकल्टी अगर आए लॉजिकली तो वो कैसा पूछना मुझसे। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये जो तुम्हारा फेयर कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ देखो ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास, ये कौन सा पॉइंट है, माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, ये वन कॉमा पाई बाय टू है। ठीक है, ये ध्यान में रख। अच्छा, इसको मैं फेयर करके एक बार बना देता हूँ, और ये हो गया अपना y इक्वल्स टू जीरो असिम्प्टोट। ठीक है, कोसेक इनवर्स x में ये हो जाता अपना वन कॉमा पाई बाय टू वाला पॉइंट। ठीक है, यहां से ऐसा खींचो, ये ऐसा कुछ। ठीक है, माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू, माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू, यहां से ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये कर्व हो जाएगा तुम्हारा वाई इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये हो गया वन कॉमा पाई बाय टू। ठीक है, ठीक है, ये हो गया जीरो कॉमा जीरो। तुम यहां पर देख सकते हो
इस केस में जो अपना डोमेन है ये दोनों पॉइंट्स में तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है, ये दोनों ये सारी वैल्यूज तो छोड़ के इसके बीच में तो कहीं कोई एक्स की वैल्यू अपन पुटअप नहीं कर सकते, ठीक है क्या। तो इनपुट में तुम कभी भी माइनस वन से वन के बीच की वैल्यूज नहीं दे पाओगे, ठीक है। माइनस वन और वन दे सकते हो, तो इनपुट अपना क्या रहा, ये रहा, ठीक है, माइनस वन से वन वाली चीजें हटा दो, ये हो गया अपना डोमेन। और रेंज क्या हो जाती है अपने पास, ये वाली चीज है y बराबर पाई बाय टू और ये वाली चीज है y इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू, ठीक बात। तो यहाँ देखो रेंज ये हो जाती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, पर उसमें जीरो को अपने को खिसकाना पड़ेगा, देख ही सकते हो जीरो वाली लाइन जो है ये अटेंड नहीं हो रही है, ठीक है। वाई बराबर जीरो इज द असिम्प्टोट, ठीक है बा, तो ये रेंज हो जाएगी अपनी, ठीक है, होपफुली तुम समझ पाए होगे, ठीक है, ओके। जैसे अगर कोई तुमसे वैल्यूज वगैरह अगर कभी पूछ ले, ठीक है, तो तुमसे बताने को होना होना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछ रहा है कोसेक इनवर्स लेट्स से मान लेते हैं, कोई बोल देता है माइनस टू ऐसा, ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए। तो मान लेते हैं कोसेक इनवर्स माइनस टू इज नथिंग बट थीटा, ठीक है, पहले तो ये बात क्या सवाल वैलिड है क्या, हाँ तो सवाल वैलिड है भाई, क्योंकि तुम इनपुट कैसा दे सकते हो, इनपुट तुम कहां से कहां तक का दे सकते हो, माइनस वन से वन के बीच का इनपुट नहीं दे सकते, ये बात ध्यान में रखना बस, ठीक है। ये वाला जो इनपुट है माइनस वन से वन का नहीं होना चाहिए। अच्छा थीटा कहां से कहां तक का होगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट शुड नॉट बी जीरो, ठीक है, ठीक है बात। थीटा कहां से कहां तक का बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इससे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक थीटा इज नथिंग बट माइनस टू, इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, यानी देखो ये वाले जोन में हो तो ये वाले जोन में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में साइन कहां पर नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होने का मतलब हाइट नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है तुम यहां पर हो, ठीक है, तभी तो हाइट नेगेटिव है, नीचे हो ना। अच्छा अब हाफ अगर होता तो ये कितना होता, पाई बाय सिक्स होता, तो माइनस हाफ अगर होना है तो माइनस पाई बाय सिक्स लगेगा, ठीक है। तो इससे थीटा क्या निकल के आता है तुम्हारे पास, माइनस पाई बाय सिक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जो भी तुमसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई अगर ये इस किस्म का, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक ही फंडा है बेसिकली, उसको ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं बस। तो इस टाइप के सवाल मेरे ख्याल में तुम बड़ी आसानी से हैंडल अप कर पाओगे, ठीक है क्या, ठीक है फिर। तो अभी ग्राफ सब तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, अब इसके बाद अब सवाल बनाना हम लोग क्विकली शुरू करेंगे, ठीक है।